का एक्सपेरिमेंट जो हम करने जा रहे हैं वो है आपका टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग अ फोटो सेल, कि आपने करंट का इंटेंसिटी के साथ रिलेशन देखना है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ यूजिंग अ फोटो सेल यूज़ करते हुए। अब आप ये देखें उसमें ऑपरेटर्स कौन सा यूज़ होना है, इसमें बैटरी सेंसिटिव गलवानोमीटर यूज़ होने हैं, वो गलवानोमीटर है माइक्रो एमीटर में, फोटो सेल यूज़ होना है आपका, उसके बाद की यूज़ होनी है, रियोस्टेट यूज़ होना है, फ्लैशिंग इलेक्ट्रिक लैंप यूज़ होगा, कनेक्टिंग वायर्स और ऑप्टिकल बेंच, ये सारा आप उसमें किस तरह लगा हुआ है ये आपको शो हो रहा है कि लैंप से लाइट आनी है फोटो सेल के ऊपर पड़नी है और उसमें सर्किट में से करंट फ्लो करवाना शुरू कर देना है, और ये आपका ये शो कर रहा है ये आपका एक माइक्रो एमीटर है, ये माइक्रो एमीटर है, ये सिंबल लगा हुआ है ऐसे माइक्रो और एम्पेयर का, माइक्रो एमीटर ये शो कर रहा है, ये की लगा हुआ है, ये बैटरी है, ये यहाँ से आपने पावर सप्लाई दी, ये आपकी ब्लैक कलर की जो है वो कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये लैंप है, लैंप की से रोशनी निकल रही है और वो जाकर आपकी पड़ रही है फोटो सेल के ऊपर, फोटो सेल के ऊपर जैसे ही लाइट पड़ेगी ये ऑपरेट कर करंट को उसमें से फ्लो करवाना शुरू कर देगा और आपने उससे फिर इंटेंसिटी और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है थीटा में वो नोट कर लेनी है। तो ये देखें ये सारा आपके ऑपरेटर्स में कैसे लगा हुआ, ये आपके सामने ऑपरेटर्स हैं, मैंने इलेक्ट्रिक लैंप को और फोटो सेल को एक वुडन बॉक्स में बंद कर दिया और ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये देखें जूम करवाएं, ये आप स्केल है जहाँ टोटल्स आपकी रीडिंग देखें जीरो से लेकर ये 100 सेंटीमीटर में भी है और ऊपर आपकी रीडिंग इंचज़ में है कि 14 इंच और ये आपके 100 सेंटीमीटर की लेंथ है। इसके अंदर अगर आप देखें, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका फोटो सेल लगा हुआ है, वो छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, ये एक आपका फ़ोटो सेल है, जैसे ही लाइट इसके ऊपर फॉल होती है ये करंट को डिटेक्ट करता है, ये फ़ोटो सेल कहलाता है आपका। इधर आए, ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक इनकंडेंसिबल बल्ब है आपका, ये आपकी लाइट को फॉल करवा रहा है फ़ोटो सेल के ऊपर, अभी ये 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है, 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। तो इधर आए और ये साथ आपका आपको नज़र आ रहा है ये माइक्रो एमीटर, ये देखें सिंबल आपको नज़र आ रहा है माइक्रो एमीटर, ये एमीटर को शो करता है, ये माइक्रो का सिंबल है, यानी ये माइक्रो एमीटर करंट को वो मेजर करेगा। तो अब आए एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है आपने, ये तो होगी पूरा सर्किट के बारे में इंफॉर्मेशन। अब आपने क्या करना है, आपको अभी इसमें देखें माइक्रो एमीटर में कोई भी रीडिंग नज़र नहीं आ रही है, जब आपका इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। अब आपने क्या करना है, इसको आहिस्ता आहिस्ता मूव करवा कर आगे लेकर आना है, जैसे जैसे आप इसको आगे लेके आएंगे एक खास डिस्टेंस के ऊपर इसके अंदर आपको डिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, अभी तक उसमें डिफ्लेक्शन पैदा नहीं है। इधर आप अब देखिए, इधर आया जब आपका डिस्टेंस हो गया 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ आपको ये देखिए शो कर रहा है 10 माइक्रो एमीटर रीडिंग शो कर रहा है, ये देखें 0 से 50 उसमें 5 की डिवीजन है, यानी एक लाइन आपकी 100 माइक्रो एमीटर रीडिंग को शो कर रही है, माइक्रो एम्पेयर को, तो ये आपको शो कर रहा है 0 से 10 पे जा रहा है, ये 10 की डिवीजन है। अब ये 60 के ऊपर मैंने क्या करना है, मैंने डिस्टेंस नोट किया कि अगर आपका ये 60 सेंटीमीटर है, ये देखें 0 से इस टाइम 60 के ऊपर है, तो 60 सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस है, इसके ऊपर ये आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का एक कॉलम बना लिया, उसके बाद डिस्टेंस का बना लिया, डिस्टेंस के स्क्वायर का बना लिया, उसके बाद है आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई जो है वो 1/d के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, 1/d के साथ यानी डिस्टेंस के साथ इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है उसका, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑफ 1/d स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने क्या किया, डिस्टेंस नोट कर लिया, डिस्टेंस को इधर स्क्वायर कर लेना आपने, फिर स्क्वायर करने के बाद आपने उसको 1/d स्क्वायर जब करेंगे, इधर जो रीडिंग आई उसका 1/d करेंगे, डी स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ गई। उसके बाद ये थीटा क्या है, ये आपका जो इधर रीडिंग आई और वो आई है 10, 60 के ऊपर 10 आई है, तो मैंने इधर रख दिया 10। अब आपने यही काम, अब ये इधर आई है आपके पास, ये है इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जो इधर रीडिंग आएगी वो, और आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट थीटा जो इधर रीडिंग आई, दोनों को आप डिवाइड करेंगे, ये 1/थीटा नहीं है, ये आई ओवर थीटा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऊपर और फोटो इलेक्ट्रिक करंट नीचे, दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक रेशो आ जाएगी,
और इन दोनों क्वांटिटीज़ को लेकर आप ग्राफ भी बना सकते हैं। अब यही काम आपने दोबारा करना है, रीडिंग आप मैं इस डिस्टेंस को 60 से 50 के ऊपर लेकर आता हूँ। मैंने इन कंडेंसिबल बल्ब को मैं लेकर आया हूँ 60 के 50 के ऊपर। तो अब ये देखें आपका, इधर आप देखें, जूम करवाएं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 20 को अप्रोच कर रहा है। तो अब आपका जब मैंने 50 का डिस्टेंस किया तो ये आपका, ये इधर 50 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 36 है और इधर 50 का स्क्वायर किया जाएगा तो वो 2500 आ जाता है। फिर आप 1/2500 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इंटेंसिटी आ जाएगी। और इधर 20 के केस में, 50 के डिस्टेंस के ऊपर ये आपके रीडिंग आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 20 माइक्रो एमीटर। अब यही आपने रीडिंग लेनी है 40 के ऊपर। तो अब ये आप कैमरा मैन अब आपको दिखा सकता है, ये देखें जब मैंने 40 पे किया तो अब रीडिंग आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 40 के करीब आपकी आ रही है। तो 40 आपने नोट कर लेना है, 40 के ऊपर 40 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। और यही डिस्टेंस आपने 30 का रखा तो अब ये देखें मेजर डिफरेंस आना शुरू हो गया। जैसे ही मैं इसको क्लोज ला रहा हूँ अब ये देखें आपका 80 को अप्रोच कर गया, 30 के डिस्टेंस के ऊपर ये आपका अप्रोच कर गया है किसके ऊपर, 80 माइक्रो एम्पियर के ऊपर। तो ये बाकी रीडिंग तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये मेजर आपका जो आपने ऑपरेटर से रीडिंग नोट करनी है वो एक डिस्टेंस और एक थीटा नोट करना है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फिर इन दो क्वांटिटीज़ को लेकर आप, सॉरी, इन दो क्वांटिटीज़ को लेकर आई और थीटा को ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और वो ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इधर ग्राफ नहीं बना हुआ, लेकिन आपने इसको और इसको रीडिंग लेकर आप उनकी रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इनसे दो आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये था आपका एक्सपेरिमेंट।